गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ जाओ फटाफट, ठीक है ना। उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, फटाफट ऑनलाइन आ जाओ भाई, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था, अपने जो सैटरडे की क्लास हुई थी उसमें मैंने ये बताया था कि अगले टॉपिक में अपन यहां पर पढ़ेंगे कि जो अपने पास तरंग होती है वेव होती है, ठीक है ना। तरंग यानी कि वेव होती है। इस तरंग की दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होती है, ठीक है ना। तरंग की दूरी क्या होती है, तरंग का विस्थापन क्या होता है, इसकी चाल क्या होती है और इसका वेग क्या होता है। लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये सब अपन यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। कि तरंग की दूरी क्या होती है, तरंग का विस्थापन क्या होता है। एक्चुअली जैसा आप समझते हो, जैसे दूरी और विस्थापन आप मैकेनिक्स में पढ़ गए हो, ठीक है ना। वो दूरी और विस्थापन अगर आप सोचते हो कि वही दूरी और विस्थापन अगर तरंग में वेव में होता है तो ये आपकी गलतफहमी बेटा। ध्यान देना, तरंग की दूरी और तरंग का विस्थापन अलग होता है। समझा गए इतनी बात, ठीक है ना। अब क्या होता है वही अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि तरंग की दूरी क्या होती है और तरंग का विस्थापन क्या होता है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव, ठीक है ना। टॉपिक अपना रहेगा वेव, टॉपिक अपना चल रहा है इसके अंदर वेव यानी कि तरंग। और तरंग में भी अपन यहां पर कौन सी तरंग पढ़ रहे हैं, अपन यहां पर ओनली मैकेनिकल वेव की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन, केवल यांत्रिक तरंगों के गुण पढ़ रहे हैं अपन, यह भी ध्यान देना, ठीक है ना। भैया जो चैप्टर ना, इस चैप्टर में अपन केवल यांत्रिक तरंगों के गुण पढ़ेंगे। अपन अयांत्रिक तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, उसके लिए अपन अलग से एक चैप्टर अपन इसमें पढ़ेंगे। ये तो आपको पता होगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो देखो, एक तो होती है तरंग का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एक तो होता है तरंग का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और एक होती है तरंग की दूरी, एक होती है तरंग की दूरी। दूरी का मतलब तो हो गया डिस्टेंस, ठीक है ना। और विस्थापन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डिस्टेंस। दोनों क्या होते हैं, ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। ध्यान से समझना, फटाफट ऑनलाइन आ जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। और फिर मैं इसको समझाना शुरू करता हूं आपको। वेरी गुड। तो तरंग का विस्थापन क्या होता है और तरंग की दूरी क्या होती है। नॉर्मली आप क्या जानते हो, नॉर्मली आपने यही पढ़ा होगा कि अगर मान लो कि कोई भी पार्टिकल कहां से चला है, ठीक है ना, जहां से स्टार्ट हुआ ना, उसका जो पाथ होता है, उसकी जो पथ यानी कि पाथ होता है ना, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होती है, उस टोटल लेंथ को तो कहते हैं अपन डिस्टेंस, ठीक है ना। और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है ना, जो न्यूनतम दूरी होती है, उस न्यूनतम दूरी को कहते हैं अपन विस्थापन। तो आप इसमें यही समझोगे कि सपोज करो कि एक पार्टिकल अगर यहां से चला है तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो यहां से यहां तक ये जो पथ की लंबाई है ना, इसको तो कहोगे आप डिस्टेंस, ठीक है ना। और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई है, इसको कहोगे आप डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ध्यान देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना ऐसा नहीं होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको वेव प्रोपेगेशन समझना पड़ेगा, यानी कि तरंग संचरण समझना पड़ेगा कि तरंगों का संचरण कैसे होता है, ठीक है ना। और कौन सी तरंगों का संचरण, यांत्रिक तरंगों का संचरण। कौन सी तरंगों का संचरण, यांत्रिक तरंगों का संचरण, ठीक है ना। कि यांत्रिक तरंगों का संचरण कैसे होता है, ये चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। तो इसको समझने के लिए सपोज करो, ठीक है ना, इसको समझने के लिए सपोज करो, ठीक है ना, ये सपोज कर लेते अपन। सबसे पहले यही बना देता हूं मैं। सपोज करो कि अपने पास कोई भी माइक हो गया या कोई भी स्पीकर मान लो, ठीक है ना। जहां से क्या निकलेगा भाई, माइक से क्या निकलेगा, साउंड यानी कि ध्वनि तरंग निकलेगी। और ये ध्वनि तरंग किसी भी ऑब्जर्वर के पास, ठीक है ना, कोई भी सुन रहा है ना श्रोता, किसी भी श्रोता के पास जा रही है ध्वनि तरंग। तो देखो, ध्वनि तरंगों का संचरण कैसे होता है, ध्वनि तरंगों का संचरण कैसे होता है। सपोज कर लो कि ये जो यहां पर माइक लगा ना, ये माइक इस ऑब्जर्वर से, ये माइक और ये जो ऑब्जर्वर है ना, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं 10 मीटर। बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं मैं, 10 मीटर, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लेता हूं मैं 10 मीटर। ध्यान से समझना आप इसको, ठीक है। अच्छा, यहां से साउंड वेव का प्रोपेगेशन कैसे होगा, ध्वनि तरंगों का संचरण कैसे होगा। तो ये बात आपको पता होगी कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता। मीडियम का होना बहुत ही रिक्वायर्ड है, बिना मीडियम के वेव का प्रोपेगेशन नहीं हो सकता। तो यहां पर मैं ये मीडियम मान लेता हूं, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया मीडियम। अच्छा, अब देखो, ये जो साउंड वेव है ना, ये साउंड वेव यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि इस माइक से लेकर के या फिर इस स्पीकर से लेकर के
कान तक, जो इसको हियरिंग कर रहा है ना वहां तक ये कैसे प्रोपेगेट करेगी, तो कैसे प्रोपेगेट करेगी, तो आपने देखा होगा कभी भी स्पीकर देखा होगा, स्पीकर के ऊपर अगर आप कुछ रखोगे तो वो क्या करता है उसके ऊपर, अरे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है मतलब ये जो स्पीकर का पर्दा ना ये यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट, वाइब्रेट करेगा मतलब इसके कॉन्टेक्ट में जो एयर के मोलिकुल्स हैं, जो वायु के कण है, ठीक है ना, ध्यान देना, इसके कॉन्टेक्ट में जो एयर मोलिकुल्स है, जो वायु के कण है ना, वो वायु के कण भी क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। यहां पर इसके कॉन्टेक्ट में जो वायु का कण है, ये वायु का कण यहां से लेकर यहां तक ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, इससे आगे ये नहीं जा सकता क्योंकि आगे क्या हो गया, दूसरा मोलिक्यूल आ गया। अच्छा, ये जो दोनों मोलिक्यूल्स है, ये जो दोनों कण है ना, इन दोनों कणों के बीच में क्या है, इन दोनों कणों के बीच में है यहां पर अंतराणविक बल, क्या हो गया, अंतराणविक बल। एक बात और इंपॉर्टेंट मैं यहां पर आपको बता दूंगा, साउंड प्रोपेगेशन के लिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में कौन कौन से गुण होना चाहिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया भी होगा। तो यहां पर क्या है, इस माध्यम में जड़त्व का गुण है, ये रिक्वायर्ड भी है, ध्यान देना, जड़त्व यानी कि इसमें क्या है, इनर्शिया है, क्या है, इनर्शिया, बिना इनर्शिया के साउंड का प्रोपेगेशन भी नहीं हो सकता। इनर्शिया का मतलब क्या हो गया, इनर्शिया का मतलब हो गया कि अपनी स्टेट में चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा, अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। अच्छा, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा ना, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन से क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तो ये भी वाइब्रेट करेगा, लेकिन इनर्शिया के कारण, इनर्शिया के कारण ये इतना वाइब्रेट नहीं कर पाएगा जितना फर्स्ट मॉलिक्यूल वाइब्रेट किया था, ठीक है ना। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये यहां से चलकर यहां तक गया है, तो ये यहां से चलकर यहां तक ही जा पाएगा, अगला मॉलिक्यूल थोड़ा और कम डिस्टेंस तक जाएगा, और एक ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जो बिल्कुल भी, एक ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जो बिल्कुल भी मतलब डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। अच्छा बताओ, ये दो आगे जो मॉलिक्यूल आया, ये डिस्प्लेस क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण क्या है, इसका कारण है इनर्शिया यानी कि जड़त्व, इनर्शिया यानी क्या हो गया, जड़त्व, जड़ के कारण ये वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, इनर्शिया का मतलब क्या हो गया, जो आगे वाले मॉलिक्यूल है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में इस पे क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, विपरीत दिशा में क्या करेंगे, बल लगाएंगे, बल लगाएंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट फिर यहां से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ये अपने पास मॉलिक्यूल आ गया। अब ध्यान से सुनो आप इसको, ऐसे क्या होगा, जैसे ही स्पीकर यहां पर बजेगा ना, तो देखो इधर वाले मॉलिक्यूल्स तो इधर जा रहे, इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे, तो इतने पार्ट में ये जो पार्ट है ना, मीडियम का ये पार्ट, इस पार्ट में क्या हो जाएगा, इस पार्ट में मॉलिक्यूल सब वो पास पास आ जाएंगे, इसको कहते हैं अपन संपीड़न, क्या कहते हैं अपन, संपीड़न यानी कि कंप्रेशन, ठीक है ना, संपीड़न यानी क्या कहते हैं अपन इसको, कंप्रेशन कहते हैं। अच्छा देखो, इधर वाले मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, इधर आ गए, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए या कम हो गए, कम हो गए, इसको कहते हैं अपन रेयरफैक्शन, क्या कहते हैं अपन, रेयरफैक्शन यानी कि विरलन, क्या कहते हैं अपन, विरलन कहते हैं, इसको कहते हैं अपन रेयरफैक्शन, और इसको कहते हैं अपन संपीड़न यानी कि कंप्रेशन कहते हैं, समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे, ठीक है ना, दो चीज अपने पास, एक तो होता है विस्थापन और एक होती है दूरी, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें यह ध्यान रखोगे कि विस्थापन होता है ना, विस्थापन, ये विस्थापन तो होता है कण का, विस्थापन तो किसका होता है, कण का, और दूरी होती है ना, ये दूरी होती है तरंग की, किसकी होती है, तरंग की, ठीक है ना। इस डायग्राम में आपको समझने को मिल जाएगा ये, ठीक है ना, डायग्राम में आपको समझने को मिल जाएगा कि ये जो कण है ना, कोई भी कण देख लो, आपको कोई जरूरी नहीं है कि इस कण की बात करें, अपन किसी भी पर्टिकुलर कण की बात कर सकते हो, आप इसकी भी बात कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी कण अपने माध्य स्थिति से कितनी दूर पर जा रहा है, इसको तो कहते हैं अपन तरंग का विस्थापन, क्या कहते हैं अपन, तरंग का विस्थापन। जैसे इस कण का विस्थापन योग है, इस कण का विस्थापन योग है, इस कण का विस्थापन योग है। अच्छा, इस कण का विस्थापन कितना हो गया, जीरो गया भाई, इस कण का विस्थापन कितना हो गया, जीरो हो गया, इसको तो कहते हैं अपन विस्थापन, ठीक है ना, क्योंकि विस्थापन किसका होता है, तरंग। हालांकि अपन कहते तो ये कि तरंग का विस्थापन, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो कण का विस्थापन होता है, एक्चुअली किसका होता है, कण का विस्थापन होता है, ठीक है ना, समझ आ गई इतनी बात। ऐसे ही अगर अपन बात करें दूरी की, तो दूरी किसकी होती है, डिस्टेंस किसकी होती है, वो होती है तरंग की यानी कि वेव की। वेव जहां से जनरेट होती है, जहां से जनरेट होती है और एन लास्ट तक जहां तक जाती है ना, इसको कहते हैं अपन तरंग की डिस्टेंस, क्या कहते हैं अपन, तरंग की डिस्टेंस कहते हैं। तो बताओ कि फिलहाल इस तरंग की डिस्टेंस कितनी होगी, फिलहाल इसकी दूरी कितनी होगी, 10 मीटर होगी, फिलहाल इसकी दूरी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। अरे समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है ना, कि विस्थापन होता है ना, विस्थापन, ये विस्थापन तो किसका होता है भाई, विस्थापन किसका होता है बताओ, तरंग का होता है या कण का, बोलते तो अपन इसको ये कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव, ठीक है ना, तरंग का विस्थापन, लेकिन एक्चुअली किसका होता है ये बताओ, कि तरंग का होता है या फिर कण का होता है, तो कण का होता है, कण अपनी माध्य स्थिति से जहां पर जाता है ना, उसको कहते हैं अपन विस्थापन, क्या कहते हैं अपन, विस्थापन, ठीक है ना। और दूरी क्या होती है, दूरी होती है वो तरंग, तरंग जहां से जनरेट हुई है, जहां से उत्पन्न हुई है और एंड लास्ट तक कहां तक सुनाई देती है, उसको कहते हैं अपन दूरी। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है ना, एंड लास्ट तक कहां तक सुनाई दे रहा है, इसकी कोई लिमिट तो होगी ना, ऐसे तो है नहीं कि मतलब पूरे होल अर्थ पे इसको सुनाई देगा, उसकी कोई कोई लिमिट होगी, और जिस लिमिट तक ये सुनाई दे रहे ना, उस लिमिट को कहेंगे अपन इसकी डिस्टेंस यानी कि दूरी, क्या कहेंगे अपन, डिस्टेंस यानी कि दूरी। इतनी बात समझ में आई, बताओ देखिए फटाक से कमेंट करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन में अगर आपको इतना अंतर समझ में आ गया है, तो बताओ देखिए फटाक से कमेंट करो। ओके सर, फटाफट कमेंट करो, देखिए
ठीक है ना, फिर आगे चलता हूं मैं। कमेंट करो। ठीक है, तो ध्यान देना, आप इसको एक डायग्राम से भी समझ सकते हो कि जब साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है, जब ध्वनि तरंगों का, ठीक है ना, जब ध्वनि तरंग का संचरण होता है ना, जैसे यहां पर लगा दिया अपन ने कोई भी माइक, ठीक है ना, क्या लगा दिया, माइक लगा दिया, ये माइक हो गया, तो ये माइक क्या करेगा, जैसे यहां पर वाइब्रेट करेगा ना, तो इतने भाग में तो देखो क्या हो गया, संपीड़न, क्या हो गया, संपीड़न यानी कि कंप्रेशन, क्या हो गया, कंप्रेशन, ठीक है ना। अच्छा, इतने भाग में यहां से यहां पर देखो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दूर दूर चले गए, यहां पर क्या हो गया, विरलन यानी कि रेयर फैक्शन, क्या हो गया, रेयर फैक्शन हो गया, ठीक है ना। एक बात और आप भी ध्यान दे सकते हो, यहां पर भाई, यहां पर ये जो एक पूरी तरंग की लंबाई होती है ना, एक पूरी तरंग की लंबाई यहां से चलकर यहां तक ये पूरी तरंग होगी, इस पूरी तरंग की लंबाई को क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन तरंग दैर्ध्य। तो आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्रमागत संपीड़न और क्रमागत विरलन, क्रमागत संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी किसके बराबर होती है, लेमडा के बराबर होती है, ठीक है ना। लेमडा क्या होता है यह भी अपन इसमें समझ लेते हैं, ठीक है ना, लेमडा क्या होता है यह भी अपन इसमें समझ लेते हैं। तो वापस इसके अंदर आप आओ भाई, साउंड वेव बना कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, ऐसे जैसे मैं यहां पर बोलूंगा ना, वायु के कुछ भाग में कंप्रेशन हो जाएगा, कुछ में रेयर फैक्शन हो जाएगा, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, ऐसे कंप्रेशन और रेयर फैक्शन क्या होंगे, आगे से आगे प्रोपेगेट होते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या है, इस मीडियम के अंदर इनर्शिया भी है, क्या है, इनर्शिया भी है, और इनर्शिया होने के कारण ये कंप्रेशन आगे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो साउंड की इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जितना पास जितना तेज सुनेगा ना, दूर जाने पर उतना तेज नहीं सुनाई देगा, ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपन इसमें बात करते हैं तरंग की दूरी, ठीक है ना, या तरंग का विस्थापन, विस्थापन की बात कहोगी। अब आप कहोगे कि सर यहां पर तो ना आपने कहा कि विस्थापन होता है, ये विस्थापन तो किसका होता है, कण का होता है, किसका होता है, कण का। अच्छा, कण की बात करें, अच्छा कौन से कण का होता है, तो कोई भी कण आप ले सकते हो, इसमें आपने इस कण को अगर आपने लिया तो इस कण का विस्थापन तो इतना हो गया। अगले कण का विस्थापन क्या है, ज्यादा या फिर कम है, कम है। अगले कण का विस्थापन और कम है, अगले कण का विस्थापन कितना हो गया, जीरो। फिर विपरीत दिशा में विस्थापन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो गया, फिर घटते घटते कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब विस्थापन होता है, किसी भी कण का विस्थापन होता है, ये विस्थापन बताओ कि हमेशा नियत होता है या फिर परिवर्तित होता रहता है, तो ये विस्थापन हमेशा परिवर्तित होता रहता है, किसके साथ परिवर्तित होता है, किसके साथ, देखो बताओ कि फिलहाल चेंजमेंट क्या हो रहा है, दूरी। तो जैसे जैसे आप इस स्पीकर से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप इस स्पीकर से दूर जा रहे हो, विस्थापन क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते घटते कितना हो गया, जीरो। विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, अधिकतम। फिर घटेगा, घटते घटते कितना हो जाएगा, जीरो। फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, इस टाइप से बढ़ेगा। तो तरंग का जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन, ये विस्थापन ऑलवेज क्या होता रहता है, परिवर्तित, किसके साथ, किसके साथ, ये परिवर्तित होता है बेटा दूरी के साथ भी, परिवर्तित होता है दूरी के साथ भी, और परिवर्तित होता है समय के साथ भी। समय के साथ कैसे, ध्यान देना, समय के साथ कैसे, तो ध्यान देना भाई, मैं ये कहूं कि ये कण जैसे स्पीकर बजा था ना, एट इंस्टेंट की अपन बात कर रहे हैं, उस समय की अपन बात कर रहे हैं जब स्पीकर बजा था, अपन ने टाइम को यहां पर कॉन्स्टेंट मान रखा है। अच्छा, जैसे स्पीकर बजा था तो इसके कॉन्टेक्ट में जो एयर का मोलिकुल था, इसके संपर्क में जो वायु का कण था, वो संपर्क में वायु का कण था, वो कहां पर आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आ गया, अधिकतम विस्थापन पर आ गया। बताओ ये कण यहीं पर रहेगा या फिर वापस अपनी मूल अवस्था पर जाएगा, तो आप कहोगे कि सर वापस अपनी मूल अवस्था पर जाएगा, इसमें जड़त्व भी है, तो जड़त्व पर तो यहां जाके नहीं रुकेगा और आगे भी जाएगा। इस टाइप से यहां पर क्या करेगा, ये अपनी मेन पोजिशन पर, ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, यानी कि SSM करेगा, वाइब्रेट करेगा यानी कि क्या करेगा, SSM करेगा, SSM करेगा। तो आपको पता है कि देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम। अब मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट मान लेता हूं, पहले अपन ने टाइम को कॉन्स्टेंट माना था, अब मैं ना डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट मान लेता हूं। डिस्टेंस मतलब कोई भी एक कण को आप चेंज कर लो, इसी को चेंज कर लिया, ठीक है ना, इसके डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, x = 1 मीटर 0 मीटर जितनी भी है। अच्छा, अब मैं टाइम के साथ नोट करता हूं, तो टाइम के साथ अगर आप नोट करोगे तो ये देखो ये यहां तक गया, ठीक है ना, फिर वापस यहां तक आएगा। अच्छा, यहां तक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता गया, बढ़ता गया। अच्छा, वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होते होते कितना हो जाएगा, जीरो। फिर विपरीत दिशा में क्या होगा, बढ़ेगा, अधिकतम, फिर घटेगा, जीरो, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो कहने का मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट किसके साथ चेंज होता है, टाइम यानी कि समय के साथ भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो किसी भी तरंग का, ध्यान देना, किसी भी तरंग का जो विस्थापन होता है, वो तरंग का विस्थापन, वो तरंग का विस्थापन समय और दूरी दोनों के साथ चेंज होता है। तो जो विस्थापन होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को वाई से रिप्रेजेंट करेंगे अपन,
डिस्प्लेसमेंट y से और डिस्टेंस को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट को तो y से और डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट करता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है जो विस्थापन होता है, ये विस्थापन बताओ किसका फलन होता है, दूरी का भी और समय का भी, दूरी का भी और समय का भी, ठीक है ना। तो किसी भी तरंग का विस्थापन, किसी भी तरंग का विस्थापन बताओ किसका फलन होता है, समय का, दूरी का या दोनों का, समय का, दूरी का या दोनों का, ठीक है ना। तो दोनों का फलन होता है, किसका होता है, समय का भी होता है और दूरी का भी होता है, ध्यान देना, समय का भी होता है और दूरी का भी, तो दोनों का फलन होता है, ठीक है ना। और अगर अपन तरंग का विस्थापन लिखे, ठीक है ना, ग्राफ बना देता हूं आपको, यहां पर एक और ग्राफ बना देता हूं आपको, ठीक है, ग्राफ से आपको इजीली और समझ में आएगा, ध्यान देना, मैं केवल एक मॉलिक्यूल बना देता हूं यहां पर, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल बनाकर फिर उसका ग्राफ बनाता हूं। ये मॉलिक्यूल हो गया अपने पास, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा और कम जा रहा है, आगे वाला मॉलिक्यूल और कम जा रहा है, और आगे वाला मॉलिक्यूल बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा है, ठीक है ना, ये मूव ही नहीं कर रहा है। आगे वाला मॉलिक्यूल है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये इधर जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन हो गया, मॉलिक्यूल्स इसमें कहां है, वो मॉलिक्यूल्स में मैं आपको बना देता हूं, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, ये रहा, ये सारे के सारे इसमें मॉलिक्यूल्स हो गए, इसमें क्या हो रहा है भैया, क्या दिक्कत आ गई, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल्स बना दिए, ये मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये इस मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका, 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 और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं, यहां पर ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है ना, ग्राफ बना रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट को तो ले लिया मैंने वाई एक्सिस पे, ठीक है ना, और इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं डिस्टेंस के साथ, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आगे जा रहे हो, जैसे जैसे आगे जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका, ये इसका, इसका, और यहां तक पहुंचते पहुंचते इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका जीरो, विस्थापन कितना हो गया, जीरो। फिर आगे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये इस डायरेक्शन में था और ये इस डायरेक्शन में, यहां पर पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है ना, और फिर वापस यहां पर पहुंचते पहुंचते ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, यहां पहुंचते पहुंचते ये वापस अपने पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ था, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, ग्राफ बनाता हूं मैं, देखो यहां पर इसका ग्राफ बनाता हूं, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ था और यहां पर पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, जीरो, कितना हो गया, जीरो। फिर जीरो से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब नीचे आ जाओ, ठीक है ना, यहां पर पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, मैक्सिमम, क्या हो गया, मैक्सिमम, फिर पहुंचते पहुंचते वापस कितना हो गया, जीरो। ऐसे अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, पूरा ग्राफ अगर आप इसका बनाओगे, तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ बनेगा, कोस के जैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन किसका होता है, कोस का रिलेशन होता है, किसका रिलेशन होता है, कोस का रिलेशन होता है, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये अगर जीरो से स्टार्ट होता तो किसका रिलेशन होता है, ये साइन का रिलेशन होता है, किसका होता है, साइन का, ठीक है। ऐसे अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बनाऊं मैं यहां पर किसका, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, अच्छा टाइम के साथ का मतलब अपन को डिस्टेंस क्या कर देनी है, अपन को कांस्टेंट कर देनी है, मतलब अपन को आगे पीछे नहीं जाना है, किसी एक पार्टिकल को अपन को चूज करना है, एक ही पार्टिकल को अपन को देखना है। तो मैं इस पार्टिकल को देख लेता हूं यहां पर, अच्छा इस पार्टिकल को अगर मैं यहां पर देखूं, ठीक है ना, तो ध्यान देना भैया क्या है, टी इक्वल टू, अगर मैं जीरो की बात करूं तो टी इक्वल टू जीरो पर कहां पर था, ये मेन पोजिशन पे था, कहां पर था, मेन पोजिशन पे, अपने मेन पोजिशन पे, जैसे ही स्पीकर बजा ये पार्टिकल क्या हुआ, अपनी मेन पोजीशन से दूर भागने लगा, वाइब्रेट करने के लिए दूर भागेगा, दूर भागेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहां तक जाएगा, अच्छा क्या इससे भी आगे जाएगा, क्या नहीं बताओ कि इसके बाद ये कहां पर जाएगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, मेन पोजीशन की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज होते थे कितना जाएगा बेटा, जीरो जाएगा। अच्छा क्या यहां पर आके रुक जाएगा, क्या नहीं रुकेगा, नहीं, इसमें इनर्शिया होता है, जड़त्व का गुण होता है, और जड़त्व के गुण के होने के कारण ये क्या जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में विस्थापन इसका क्या होगा, बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो विस्थापन है ना, वो समय के साथ भी और विस्थापन दूरी के साथ भी, दोनों के साथ चेंज होता है। इसमें तो इसका जो रिलेशन होता है वो कोस का, और इसमें जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, साइन का रिलेशन होता है, किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो आप यहां पर देख सकते हो कि विस्थापन
विस्थापन है वो किसका, दूरी का भी फलन है और समय का भी फलन है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अगर मैं विस्थापन यहां पर लिखूं, विस्थापन लिख देता हूं मैं यहां पर, दो तरंग अपने पास, एक तो है परगामी तरंग और एक होती है अपरगामी तरंग। सिंपल सा है परगामी तरंग। परगामी तरंग क्या होती है? वे तरंगे जो ऊर्जा का संचरण करती है, संचरण करती है मतलब दूरी, मतलब डिस्टेंस कवर करती है, दूरी चलती है। तो कहने का मतलब परगामी तरंग में तो एक्स भी आएगा, और अपरगामी तरंग क्या होती है? अपरगामी तरंग ऊर्जा का संचरण नहीं करती है, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का मतलब क्या जगह, एक जगह पर खड़ी रहती है। अच्छा, एक जगह पर अगर फ्लक्चुएट करेगी तो क्या वो कभी भी डिस्टेंस कवर करेगी क्या, क्या दूरी तय करेगी क्या, नहीं करेगी। तो परगामी तरंग का अगर मैं विस्थापन लिखूं तो परगामी तरंग का विस्थापन तो आएगा अपने पास वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ध्यान देना, ठीक है ना, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको और, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बातें और बताऊंगा मैं आपको। याद रख समझ भाई, परगामी तरंग का विस्थापन, ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, परगामी तरंग का विस्थापन तो होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का kx, ठीक है ना। ये तो होता है परगामी तरंग का विस्थापन, जिसमें t का भी फलन है और x का भी फलन है। समझ आ गई इतनी बात? अच्छा, ओमेगा क्या होता है, k क्या होता है, ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर माइनस सी ना रहना, इसका मतलब यह है कि इसकी जो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो प्लस एक्स एक्सिस है। ध्यान देना, ये तरंग किस दिशा में जा रही है, प्लस एक्स दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है, प्लस एक्स दिशा में, ठीक है ना। ये ना, ये जो साइन आता है ना, ये अपन को वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन बताता है। बाकी आपको पता ही है साइन के आगे जो आता है उसको तो कहते हैं अपन एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम, इसको तो कहते हैं अपन तरंग का आयाम। और इधर जो आता है उसको कहते हैं अपन कला, यानी कि फेज। क्या कहते हैं अपन, कला यानी कि फेज। लेकिन अगर मैं अपरगामी तरंग, ये तो हो गया परगामी तरंग, यानी कि प्रोग्रेसिव वेव, क्या हो गया प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट है। अगर यही मैं स्टैंडिंग वेव यानी कि अपरगामी तरंग का अगर डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो वह आएगा अपने पास वाई इक्वल टू, अपने पास यहां पर कोई वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको मैं ए एक्स लिख देता हूं, ठीक है ना, ए एक्स। और साथ में आएगा अपने पास ओनली साइन ओमेगा टी। ध्यान देना, इसमें यहां पर एक्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो दूरी के साथ परिवर्तित नहीं होता है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दूरी के साथ परिवर्तित नहीं होता है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप इसमें बताओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं इसके अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो बताओ। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली विस्थापन वास्तविकता में अपन बोलते तो तरंग का है लेकिन होता किसका है, कण का। बोलते तो तरंग का लेकिन होता किसका है, कण का। कण अपनी मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन से कितनी दूरी पर जाता है ना, उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप इसको वेव प्रोपेगेशन को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज करो कि क्लास के अंदर बहुत सारी रो गई, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसे रो गई और इसमें बैठे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अब मेरे को क्या है, सपोज करो कि मेरे को कोई भी प्रोस्पेक्टस है और वो प्रोस्पेक्टस मेरे को यहां से लेकर और यहां तक पहुंचाने है मेरे को, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, वेव के फॉर्म का मतलब क्या हो गया, वेव के फॉर्म का मतलब हो गया मैं इस स्टूडेंट को दूंगा, ये स्टूडेंट इसको यहां तक पहुंचा देगा, ये इसको यहां पर पहुंचा देगा और ये इसको यहां पर पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसको तो कहते हैं अपन इसका विस्थापन, क्या कहते हैं अपन, विस्थापन। और टोटल ये जो हो गया ना, इसको कहते हैं अपन दूरी, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस। क्या कहते हैं अपन, डिस्टेंस कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको तो कहते हैं अपन डिस्टेंस और इसको कहते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो बताओ। देखिए, अब अगर अपन बात करें तरंग की दूरी की, ठीक है ना, एक बात और ध्यान देना, अगर अपने पास ये समीकरण है, इस समीकरण का अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, y के अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो बताओ कि y के मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, साइन के मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, साइन के मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी a, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी a। तो ध्यान देना, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि a क्या होता है, a होता है विस्थापन का अधिकतम मान, जिसको कहते हैं अपन आयाम। तो बताओ कि किसी भी तरंग का आयाम होता है, किसी भी तरंग का जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड उसकी डिस्टेंस होती है या डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी दूरी होती है या विस्थापन होता है, तो उसका विस्थापन होता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट बात अपने पास ये थी और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात अपने पास ये आगी। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट बताऊं तो वही हो जाएगी मीटर, हो जाएगी डायमेंशन इसकी, हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तरंग की दूरी की, दूरी की बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें अपन यहां पर देख लेते हैं। दूरी की अगर मैं इसमें बात करूं, ठीक है ना, ध्यान देना, दूरी की अगर मैं बात करूं तो दूरी होती है तरंग की, तरंग जहां से उत्पन्न होती है और एंड लास्ट तक जहां तक जाती है ना, उसको कहते हैं अपन तरंग की दूरी। क्या कहते हैं अपन, तरंग की दूरी, ठीक है ना। बताओ कैसी राशि होती है, अदिश, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये तो छोटी छोटी बातें आपको पता ही होगी,
ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर, ठीक है ना, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मीटर हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन करवा दूंगा अभी मैं आपको। सेकंड इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट में तो आप क्या ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट ये होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना उसको कहते हैं अपन एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, एम्पलीट्यूड यानी क्या कहते हैं अपन आयाम कहते हैं, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, एक पूर्ण चक्र के अंदर, एक पूर्ण चक्र के अंदर जो ध्यान देना, एक पूर्ण चक्र के अंदर जो डिस्टेंस आती है, पूर्ण चक्र का मतलब जैसे अपन जहां पर एकदम सेम टू सेम पार्टिकल वापस आ जाता ना उसको कहते हैं अपन इसका तरंग दैर्ध्य, क्या कहते हैं अपन तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, वेवलेंथ, इसको कहते हैं अपन वेवलेंथ। नाम से पता है लेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, एक वेव की लेंथ, एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है ना, लेंथ का मतलब डिस्टेंस होती है, उसको कहते हैं अपन वेवलेंथ, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं अपन वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, इसको कहते हैं अपन वेवलेंथ, समझ में आ गई बात। तो बताओ कि वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वेवलेंथ होती है डिस्टेंस यानी कि दूरी, वेवलेंथ क्या होती है डिस्टेंस यानी क्या होती है दूरी होती है, समझ में आ गई बात, दूरी यानी डिस्टेंस की वैल्यू को कहते हैं अपन वेवलेंथ, दूरी यानी डिस्टेंस की वैल्यू को क्या कहते हैं अपन वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई। कंप्लीट साइकिल के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हो कि दो ऐसे पार्टिकल सेम फेज में, ऐसे पार्टिकल जो जिनका फेज सेम हो, सेम फेज में जब पार्टिकल होते हैं ना तो उनके बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल होती है, भाई एकदम सेम टू सेम करना चाहिए ना। दोबारा मैं यहां पर डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम अभी मैंने बनाया था, ठीक है ना, एक पार्टिकल गया यहां पर, यार क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, सही नहीं चल रहा यार, इसमें क्या आएगा, ये आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो जहां पर एकदम सेम टू सेम, देखो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेकिन ध्यान देना दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है लेकिन फेज अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, फिर ये वापस आएगा जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो देखो एक पार्टिकल आएगा ये और ये पार्टिकल एकदम सेम टू सेम आ गया ना, एकदम सेम टू सेम आ गया, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस होती है ना, एक ऐसा पार्टिकल सेम टू सेम पार्टिकल, ठीक है ना, सेम टू सेम मोशन का पार्टिकल जो आ जाता ना, उन दोनों के बीच की दूरी को, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं अपन वेवलेंथ। जिनका फेज भी सेम होगा, सेम फेज सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम फेज सेम डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल आ जाता ना, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन वेवलेंथ। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, ठीक है ना, फटाफट कमेंट करो, देखिए अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। जहां पर एकदम सेम टू सेम पार्टिकल आ जाता ना उसको कहते हैं अपन वेवलेंथ। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास, किसी परगामी तरंग, किसी परगामी तरंग यानी कि प्रोग्रेसिव वेव का विस्थापन, परगामी तरंग का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट,
विस्थापन फलन होता है, फंक्शन होता है, ऑप्शन है केवल दूरी, ओनली डिस्टेंस, केवल समय, ओनली टाइम, बहुत ही और नन ऑफ दीज। कमेंट करो, देखिए फटाक से बताओ, फटाक से बताओ। टाइम एंड डिस्टेंस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वेरी गुड। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। ठीक है ना, परगामी तरंग होती है, परगामी जो चलती है, चलती है तो डिस्टेंस भी कवर करेगी और टाइम भी लगेगा, तो दोनों का होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर ऐसे हो, ध्यान देना, क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, डिलीट कर देता हूं मैं इसको। किसी अपरगामी तरंग, अपरगामी तरंग, ठीक है ना, जिसको कहते हैं अपने स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना, स्टैंडिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन होता है, आप बताओ। देखिए स्टैंडिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन होता है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। अपरगामी तरंग का विस्थापन किसका फलन होता है, ओनली टाइम, वेरी गुड। ठीक है ना, अब ऑप्शन आ जाएगा बी का, केवल टाइम पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर ही नहीं करती है, चलती नहीं है, ये एक ही जगह पर फ्लैक्चुएट करती है। अभी मैं आपको एनिमेशन दिखा के बता दूंगा कि अपरगामी तरंग, भाई आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर चलेगी कैसे, नहीं भाई चलेगी नहीं तो अपन को चलकर सुनाई कैसे देगी, तो अभी मैं एनिमेशन से आपको ये दिखा दूंगा, जब अपन परगामी और अपरगामी तरंग पढ़ेंगे ना, अपरगामी तरंग का पूरा अपना टॉपिक आएगा, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसे ये डिस्टेंस कवर नहीं करती है। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण चक्कर में तरंग द्वारा चली गई दूरी होगी, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन कंप्लीट साइकिल, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना, कंप्लीट साइकिल में किसके बराबर होगी, तरंग देर दी, यानी कि वेवलेंथ, आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड, टी लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, बताओ। देखिए वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, क्या होगा, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य, कंप्लीट साइकिल के अंदर वेव यहां से चली है तो कंप्लीट के अंदर ये क्या होगी, डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा होती है, क्या होती है, लैम्डा होती है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक कण से, एक पार्टिकल है, एक कण से समान कला तथा विस्थापन, समान कला तथा विस्थापन वाला दूसरा कण, कला तथा विस्थापन वाला दूसरा कण कितनी दूरी पर होगा, कितनी दूरी पर होगा, ऑप्शन है लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा और 2 लैम्डा, बताओ कितनी दूरी पर होगा, कमेंट करो। देखिए
फटाफट कमेंट करो। एक कण से, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल से सेम फेज सेम डिस्प्लेसमेंट का दूसरा पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पर होगा, ऑप्शन आ जाएगा वेवलेंथ लैम्डा। वेरी गुड, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। अभी अभी अपन ने देखा डायग्राम बना के देख लो, ये वेव अपने पास, जैसे एक पार्टिकल ये है, ठीक है ना, ये तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, माध्य स्थिति से कितना जा रहा है इसको डिस्प्लेसमेंट, ऊपर नीचे ना, इसको अपन कला बोलेंगे, ये इसकी कला, ऐसा कि सेम टू सेम ही पार्टिकल अपन को देखना है। देखो ये पार्टिकल क्या सेम टू सेम है क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है लेकिन फेज इसका अपोजिट है, ठीक है ना, कला इसकी विपरीत है, इसकी कला ये है, इसकी कला ये है, कला इसकी विपरीत है और कला भी अपन को समान देखनी है, तो ये हो जाएगा, ये पार्टिकल है ना, इसकी कला भी समान है और विस्थापन भी समान है, इसका फेज भी सेम और इसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो बताओ इन दोनों पार्टिकल के बीच की ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस किसके कुल होगी, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है और ये डिस्टेंस कितनी होती है लैम्डा, कितनी होती है लैम्डा, ठीक है ना, तो समान कला व समान विस्थापन में स्थित दो कणों के मध्य दूरी किसके बराबर होती है लैम्डा के बराबर होती है, किसके बराबर होती है लैम्डा के बराबर होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो, T/4 समय में, फोर समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी होगी, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन T/4 टाइम, λ/8, λ/4, λ/2 और लैम्डा, बताओ देखो कितने डिस्टेंस कवर करेगी, फटाफट कमेंट करो, T/4 टाइम में कितने डिस्टेंस कवर करेगी, ऑप्शन बी, वेरी गुड, साइल का ऑप्शन बी आ रहा है, तो आपको पता है कि वेव का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यहां से लेकर यहां तक टाइम तो होता है टी आवर्तकाल, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस होती है लैम्डा, T/4 इसके फोर पार्ट करो, ये हाफ और ये हाफ, ठीक है ना, दोनों हाफ है, तो T/4 में ये भी कितना हो जाएगा λ/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा λ/4, इजी सा है। वैसे अगर आप आगे अपन इसमें पढ़ेंगे कलांतर पथांतर समयांतर पाथ डिफरेंस टाइम डिफरेंस फेज डिफरेंस ये अपन पढ़ेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे निकालते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान देना। अच्छा ये क्वेश्चन होता T/4 समय में, ठीक है ना, T/4 समय में तरंग द्वारा तय किया गया विस्थापन होगा डिस्प्लेसमेंट, इस बार डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ध्यान देना क्वेश्चन पे, ध्यान देना आप इसको, ए λ/4 0 लैम्डा, अब बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, फटाफट कमेंट करो, देखिए ठीक है, कमेंट नहीं आ रही भाई आपकी, क्या बात हुई, फटाफट कमेंट करो, और अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और जरूर कर देना, ठीक है ना, आयाम के बराबर, वेरी गुड, एम्पलीट्यूड के बराबर, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है, पंकज ऑप्शन बी भी कमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, इस बार डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है, ये किसके बराबर होगा आयाम, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, किसके बराबर होगा आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, समझ में आ गए, तो आप बता सकते हो कि आयाम एम्पलीट्यूड तो किसका मान होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की कौन सी वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, अधिकतम मान होता है ना उसको, तो अपन आयाम कहते हैं,
और तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है डिस्टेंस, किसी भी तरंग की जो डिस्टेंस होती है कौन से कंप्लीट साइकिल के अंदर, एक कंप्लीट वेव होती है ना, वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है ना, उसी को अपन तरंग दैर्ध्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अपन तरंग दैर्ध्य कहेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है ना, कोई दिक्कत है? और ये तो आपको पता होगा आवर्तकाल और आवर्ति, शायद ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवर्तकाल होता है संपूर्ण पूर्ण चक्कर में जितना समय लगता है ना उसको आवर्तकाल कहते हैं, और इसका व्युत्क्रम मान क्या कहलाता है? आवर्ति। ये तो आपको पता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। निम्न में से विच ऑफ द गिवन बिलो, निम्न में से कौन सी परगामी तरंग है, कौन सी परगामी तरंग है? ठीक है ना, ऑप्शन है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, y इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स या कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, y इक्वल्स टू 2a साइन ओमेगा टी। नहीं, ऊपर लिख दिया ना मैंने, तो थोड़ा और कंफ्यूज कर देता हूं आपको, बॉथ और नन ऑफ दीज। बताओ कि इनमें से कौन सी वेव है वो प्रोग्रेसिव वेव है, कौन सी वेव है वो प्रोग्रेसिव वेव है? कमेंट कर देगा, फटाक से कमेंट करो भाई, इनमें से कौन सी वेव प्रोग्रेसिव वेव है? अभी देख लेता हूं आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वेरी गुड, ऑप्शन ए वेरी गुड। ठीक है ना, दोनों नहीं है क्या? ऑप्शन ए इसका बता रहे हो, पीछे वाले का बता रहे हो? कौन अभी कमेंट आया तो इसी का बता रहे हो, ऑप्शन ए। भाई मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस जो कवर करती है ना, एक ऐसी वेव जो डिस्टेंस कवर करती है ना जिसमें एक्स आता है, मैंने ये तो बताया था, एक्स अगर आ रहा है तो प्रोग्रेसिव, एक्स अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगी? स्टैंडिंग वेव, यानी कि अप्रगामी तरंग। तो आप कहोगे कि सर एक्स तो दूसरे में भी आ रहा है, लेकिन ध्यान देना बेटा, अपन बात कर रहे हैं इस फलन की, इस फलन के साथ आना चाहिए, साइन के साथ। तो क्या साइन के साथ एक्स आ रहा है क्या? ये जो तरंग है ना, इस तरंग का विस्थापन, इस तरंग का विस्थापन, इसका डिस्प्लेसमेंट है वो किसका फंक्शन है? ओनली टाइम का। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो केवल समय का फलन है। हाँ, साइन के आगे जो आता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड, आयाम। इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो भी फंक्शन है किसका? एक्स का। किसका फंक्शन है? एक्स का, यानी कि दूरी का। भाई अपन को तो क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट देखना है। क्या डिस्प्लेसमेंट एक्स का फंक्शन? नहीं,
कमेंट नहीं है भाई अभी तक आपके। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ठीक है। चलो देख लेते हैं ऑप्शन बी। तो सबसे पहले तो देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वह x का फंक्शन है, ये चीज तो अपन को ये बताएगी कि ये कैसी तरंग है, परगामी यानी कि प्रोग्रेसिव वेव है। कैसी वेव है? प्रोग्रेसिव वेव है ठीक है। अच्छा इसकी वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या है? तो ध्यान देना यहां पर उल्टा होता है, माइनस ही नहीं ना, इसका मतलब तो है प्लस एक्स एक्सिस से, और अगर प्लस है तब इसका मतलब क्या है? माइनस एक्स एक्सिस। तो ये प्लस एक्स दिशा में चलने वाली परगामी तरंग हो जाएगी। कौन सी दिशा में? प्लस एक्स दिशा में। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है ना, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो ठीक है ना, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब अपन बात करते हैं आगे, इसमें बात करते हैं अपन ठीक है ना। जैसे अपन ने पढ़ा था इसमें विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और दूरी यानी कि डिस्टेंस, ठीक वैसे अपने पास आता है इसके अंदर चाल ठीक है ना, सॉरी इधर तो आएगा वेग यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी अलग होती है और स्पीड यानी कि चाल अलग होती है ठीक है ना। दोनों समझा देता हूं आपको कि किसी भी वेव की वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है ठीक है ना, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, दोनों डिफरेंट पॉइंट है, ध्यान देना इसके अंदर ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे, किस पे डिपेंड करती है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इसमें करवा दूंगा अभी मैं आपको। तो अभी भी अपन ने वेव बनाई थी कि ध्वनि तरंग जब चलेगी ना, ये पार्टिकल यहां तक जा रहा है, ये पार्टिकल यहां तक जा रहा है, ये पार्टिकल यहां तक जा रहा है, और ये बिल्कुल भी मूव करना है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है ना, फिर ये सेम डायरेक्शन में ठीक है। अच्छा ये तो आपको पता होगा कि चाल तो क्या होती है, चाल तो होती है दूरी में परिवर्तन की दर, क्या होती है? दूरी में परिवर्तन की दर। और वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज नॉन एज स्पीड ठीक है ना। दूरी में परिवर्तन की दर को तो अपन चाल कहते हैं और विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन वेग। ये चीज तो आपको पता होगी ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं साउंड जनरेट हो रहा है, तो मीडियम के पार्टिकल कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल कितने फास्ट मूव कर रहे हैं बताओ, बताओ ये जो मीडियम के पार्टिकल मूव कर रहे हैं ये वेव की वेलोसिटी है या स्पीड है? तो ये तो होगी वेव की वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल का एक्चुअली क्या होता है? वेलोसिटी होती है। पार्टिकल का एक्चुअली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वेलोसिटी। मैं यहां पर बोल रहा हूं तो इस कमरे के जो एयर के मॉलिक्यूल है ना वो कितने फास्ट मूव कर रहे हैं ठीक है ना, इसको तो कहते हैं अपन वेलोसिटी। और वेव है ना, खुद वेव, वो वेव कितनी फास्ट मूव कर रही है, वेव कितनी फास्ट मूव कर रही है, इसको कहते हैं अपन स्पीड। क्या कहते हैं अपन? स्पीड ठीक है ना। बाकी आप फॉर्मूले पे आओ, समझ आ गए होगे दोनों में डिफरेंस, तो आपको समझ में आ गया भाई वेव कितनी तेजी से गई। जैसे मैं यहां पर बोला और 2 मीटर दूर किसी भी स्टूडेंट को 1 सेकंड में सुन गया, तो 2 मीटर दूर है स्टूडेंट को 1 सेकंड में सुन गया, ये तो वेव ही तो गई है ना, तो वेव की स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड ठीक है ना। अच्छा मीडियम के पार्टिकल कितनी स्पीड में मूव कर रहे हैं, इसको कहेंगे अपन वेलोसिटी। क्या कहेंगे अपन? वेलोसिटी, एक तरीके से स्पीड है वो भी। समझा गया इतनी बात? चलो निकाल लेते हैं वेलोसिटी। अगर अपन यहां पर निकाल ली बेटा, तो ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। प्रोग्रेसिव वेव का ये होता है ना, स्टेशनरी वेव का अलग होता है ठीक है, इसमें ए तो अलग आ जाएगा ठीक है ना, और साइन का क्या हो जाएगा बेटा? कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। डिफरेंशिएट क्या, अपन ने अवकलन क्या है किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। टी के गुणा में क्या? ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा भी आ जाएगा। ये तो होती है वेलोसिटी, ध्यान देना ये तो होता है तरंग का वेग ठीक है ना, ये तो होता है तरंग का वेग यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए वेव। लेकिन अगर अपन किसी भी तरंग की चाल निकाले, स्पीड निकाले, डिस्टेंस रख दो। अच्छा डिस्टेंस आपको पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता होगा, एक फॉर्मूला तो मैं यहां पर बना ही सकता हूं ठीक है ना। एक्स का अपने पास कोई समीकरण नहीं है, बताओ एक्स किस पे डिपेंड करता है? एक्स किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान देना ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाऊं बताओ ये टाइम कितना होगा? टाइम लगेगा टी। यहां से लेकर यहां तक जाऊं बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? कितनी डिस्टेंस कवर की है? लैम्डा। लैम्डा कोई जरूरी नहीं आप यहां तक जाओ, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। कोई कहेगा कि सर आप यहां तो क्यों जा रहे हो, यहां तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आएगा, यहां तक चले जाओ, डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा बाय 2, टाइम आ जाएगा टी बाय 2 ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करूं, चेंज इन डिस्टेंस अगर लैम्डा है, चेंज इन डिस्टेंस अगर लैम्डा है, तो बताओ कि
कितना हो गया डी, ये होती है स्पीड। क्या होती है स्पीड, स्पीड वी इक्वल होता है लैम्डा अपॉन टी। क्या होता है लैम्डा अपॉन टी, समझ में आ गई इतनी बात। इसको 1 अपॉन टी को मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं फ्रीक्वेंसी, तो हो जाएगा लैम्डा इनटू एफ, लैम्डा इनटू एफ। दूसरे टर्म में अपन ये भी तो लिखते हैं, जैसे लाइट की स्पीड लिखूं तो लाइट की स्पीड क्या होती है सी लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू भी तो लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं अपन न्यू। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली किसका होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, समझ में आई इतनी बात। और बताओ देखिए तरंग के वेग, कमेंट करो फटाक से तरंग के वेग और तरंग की चाल में अंतर समझ में आया, फटाक से कमेंट करो तरंग के वेग और तरंग की चाल में अंतर समझ में आया आपको, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है ना, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि तरंग का वेग तो ये होता है, तरंग की चाल ये होती है, ठीक है ना। तरंग का वेग होता है ए ओमेगा कॉस, तरंग का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है और तरंग की चाल क्या रहती है नियत रहती है, चाल क्या रहती है नियत रहती है, वेग अलग अलग होगा सबका पार्टिकल का, समझ में आ गया इतनी बात, कोई दिक्कत है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक मेरे हिसाब से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी मैं इसको लिख सकता हूं, चलो ठीक है। अच्छा आगे अपन बात करते हैं, क्या क्या समझ में आ गया आपको, एक तो तरंग का विस्थापन, जहां तक मेरा विचार है डिस्प्लेसमेंट से कोई क्वेश्चन आएगा आप कर दोगी, तरंग की दूरी डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन आएगा आप कर दोगी, तरंग का वेग वेलोसिटी से कोई क्वेश्चन आएगा करवा भी दूंगा मैं अभी आपको, ठीक है ना, और तरंग की चाल, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो अपन ने परिगामी तरंग का यानी कि प्रोग्रेसिव वेव का एक समीकरण लिखा था अपन ने, शॉर्ट में समझाता हूं मैं आपको, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, जहां तक मेरा विचार है इसमें मोस्ट ऑफ आपको समझ में आ गया। बताओ y क्या है, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, पढ़ के आए अभी अपन, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया होगा क्या होता है विस्थापन, ठीक है ना, क्या होता है अभी अपन पढ़ के। a क्या है वाई की मैक्सिमम वैल्यू, ए क्या है वाई की मैक्सिमम वैल्यू जिसको अपन एम्पलीट्यूड कहते हैं, साइन एक फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है, ठीक है ना। टी क्या है टाइम, टी क्या है टाइम, एक्स क्या है डिस्टेंस, एक्स क्या होगी डिस्टेंस यानी कि दूरी। अब बच गया अपने पास ओमेगा और के, ओमेगा और के क्या होता है, ठीक है ना, ये अपन अगला अब इसमें देखेंगे अपन ओमेगा और के होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद मेरे हिसाब से। ओमेगा क्या होता है, के क्या होता है, ये अपन इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो ओमेगा क्या होता है और के क्या होता है, ठीक है ना, एक आपको आता है दूसरा आप अपने आप डेराइव कर लोगे इसको, आप अपने आप डेराइव कर लोगे, अपने आप इसको निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अगली क्लास में अपन इस चीज का जिक्र करेंगे, यहां तक अगर आपको वेव के बारे में इतनी बातें अगर आपको समझ में आने बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी अगली क्लास में अपन बाकी के जो वेव नंबर है एंगुलर वेव नंबर है इन सब का अपन जिक्र करेंगे कि ये क्या होता है, और ये समझ में आएगा ना आपको तभी आगे चैप्टर समझ में आएगा आपको, ठीक है ना, और इजी सा चैप्टर है जरूर आप इसको समझ में पाओगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।